देश के सांसदों व विधायकों के द्वारा एक्टिव सिटी एक्ट के संसद में विरोध न करने एवं सर्वोच्च न्यायालय के सम्मान की रक्षा हेतु भारत बंद का आह्वान किया गया है। भारत बंद में लोधी क्षत्रिय समाज का पूर्ण सहयोग रहेगा और ये विरोध 6 तारीख को बंद का तो है ही, अगर शासन प्रशासन हमारी मांग नहीं मानता तो इसके आगे भी जो भी ऊपर आंदोलन करना होगा उसके लिए हम सभी लोग तैयार हैं। जिसके समर्थन में सर्व सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समाज ने जिला बालाघाट सिंधु भवन में बैठक आयोजित की, जिसमें ओबीसी व सामान्य वर्ग के लोगों ने बंद को लेकर अपना समर्थन दिया है। न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को जो डिस्प्यूट पैदा कर सरकार ने सवर्ण वर्गों के साथ साथ ही पिछड़ा वर्ग के साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सिरोधार्य न कर अलग से जो बिल पास किया है, जिसका सीधा सा मतलब जाता है सवर्ण एवं पिछड़े वर्ग पर प्राण घातक हमला, राज्य समाज के शब्दों में प्राण घातक हमला, हम भविष्य में कहां तक सुरक्षित है, हम इस आरक्षण शब्द की ही कटु शब्दों में निंदा करते हैं। सकल जैन समाज एवं जैन व्यापारी इस बंद में समर्थन देंगे और हम बालाघाट बंद का समर्थन करते हैं और कलार समाज सर जाति समाज का पूरा साथ देगा। हम किसी के विरुद्ध नहीं है, हम अपना हक चाहते हैं, हम किसी एससी और अदर जात के कोई विरोधी नहीं है, पर हमारा अस्तित्व हमारे साथ कहाँ है ये हम अब पूछना पड़ रहा है हमको, इसलिए हम बालाघाट और भारत बंद का समर्थन करते हैं। भारत बंद 6 तारीख को रखा गया है, इसलिए रखा गया है कि हम जो भारत सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, मोदी सरकार है, इन्होंने जो घिनौना कृत्य किया हुआ है, जो ओबीसी और जनरल सामान्य लोग हैं उन लोगों को जो उन्होंने एक शोषण किया हुआ है, ये मानसिक शोषण है और शारीरिक शोषण दोनों है, इस धारा के अंतर्गत डायरेक्ट गिरफ्तारी करना ये भी एक मानव अधिकार का उल्लंघन होता है, इसलिए हम बीजेपी शासन और मोदी सरकार का पूर्ण विरोध करते हुए इस 6 तारीख को आंदोलन को हम पूरे भारत में जो हमारा सपा संगठन करने जा रहा है, इसके लिए हम सभी ओबीसी और सामान्य लोगों से अपील करते हैं, व्यापारी कर्मियों अधिवक्ता साथियों और सभी से, ताकि अपने हम लोग मानव अधिकार का सुरक्षा कर सके, अपने बच्चों की आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा कर सके। 6 अगस्त को 6 सितम्बर को पूरा भारत बंद हो रहा है, बालाघाट बंद हो रहा है, इसमें सरकार की ओर से नया एक का भी लागू किया जा रहा है, एक्टिव सिटी एक्ट इसका खिलाफ में हम लोग हैं और आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए और तीसरा पदोन्नति आरक्षण बंद होना चाहिए। ये 3 मुद्दा मेन है पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का, पूरे जिले का, पूरे समाज का। हम पिछड़ा वर्ग के समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा जो 80% देश में राज करता है और 20% SC ST लोग वो भी हमारे देश में राज करते हैं, मतलब सरकार ने जो किया है ना परेशान, हमारे बच्चों को आगे भविष्य में रास्ता नहीं दिख रहा है, इसके लिए पूरे भारत देश में व्यापार से बंद किया जा रहा है।